वन्य प्राणियों की खाल तस्करी करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। डिंडौरी मेघाड़ा सरी पुलिस ने वन्य प्राणियों की तस्करी करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने के गिरफ्त में आए आरोपियों से तेंदुए की खाल बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों से दो बाइक भी जब्त की है। SP संजीव सिन्हा ने बताया है कि मुखबिर से खबर मिली थी कि अनूपपुर जिले से तीन लोग तेंदुए की खाल लेकर बेचने के लिए डिंडौरी के रास्ते जबलपुर की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना के बाद सुरसा टोला गाँव के पास घेराबंदी की गई, जिसमें पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। हुए और क्या माल बरामद हुआ, किस प्रकार की कार्रवाई की गई? कार्रवाई तो वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और तमाम जो धाराएं हैं, जो संबंधित धाराएं हैं, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसमें तो तीन मुलजिम हैं और दो खाल प्राप्त हुआ है। उनके पास दो मोटरसाइकिलें हैं, मोबाइल्स हैं, कुछ कैश है, ये सब की जब्ती की गई है। सर, STF का भी सहयोग है इसमें क्या? STF नहीं थे, वाइल्ड लाइफ वाले थे। वाइल्ड लाइफ की सूचना, उनको भी सूचना थी, पुलिस को भी, पुलिस की भी मुखबिर की सूचना थी कि ऐसा तस्करी करने के फिराक में हैं ये लोग, तो दबिश देकर के उनको पकड़ा गया है। थैंक यू सर।